हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले एक दो दिनों में मेरे पास एक पर्टिकुलर वीडियो पे दो तीन कमेंट्स आए कि आपने उस सवाल को गलत किया है। जब मैंने आज उसे देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में वो सवाल मुझसे एक एल्जेब्रिक मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है। दो स्टूडेंट्स ने किया है, अब उनके नाम तो मुझे सब्सक्राइबर की लिस्ट में DS और इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ध्यान से वीडियो को देखा है और हमारी मिस्टेक को पॉइंट आउट किया है, सही स्पिरिट में किया है। मैं भी उसको सही स्पिरिट में ही ले रहा हूं, क्योंकि पिछले वर्ष का यह बनाया हुआ वीडियो है और क्योंकि पिछले वर्ष जब हम इस कोर्स को पढ़ रहे थे तब मेरे ऊपर कुछ प्रेशर था। स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते थे कि आप जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कराओ, तो उसमें इस वीडियो को बनाने में मुझसे एक एल्जेब्रिक मिस्टेक हो गई। जो सब्सक्राइबर है, जो स्टूडेंट है मिस्टर DS, उन्होंने ये भी लिखा है कि सर आप बुरा मत मानना, आप इस मैसेज को पढ़ लें तो हम इस मैसेज को हटा देंगे। ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मुझे इंस्पायर कर रहा है। मैं भी इस वीडियो को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को रहने से मुझे ये लगता रहेगा कि मिस्टेक्स अब कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसका करेक्ट सॉल्यूशन तो कर देते हैं, करेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, और उस मिस्टेक वाले वीडियो को जो स्टूडेंट देखता है उसी के साथ मैं इसको प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। तो आप दोनों वीडियोस देख लें, मैंने पहले क्या मिस्टेक कर दी थी और उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। अब वास्तव में यह सवाल तो एक हल उदाहरण है, और आप सोचिए कि ये हल उदाहरण जो कि किताब में सॉल्व है, उसका मैंने उत्तर भी मिलाने की कोशिश नहीं की है कि मेरा उत्तर सही आया कि नहीं आया। तो हो सकता है कि ये मैं जल्दीबाजी में कर गया, वर्क प्रेशर की वजह से कर गया, परंतु ये निश्चित है कि केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है। तो अब हम इस उदाहरण 9 को, जो कि चैप्टर 5 का है, हम पुनः कर लेते हैं, करेक्ट को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है? दो बिंदुओं A निर्देशांक है 4.3 तथा B निर्देशांक है -5.2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रश्न का एक भाग है, तथा K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई हो जबकि C K.0 है। अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक ही सरल रेखा प्राप्त होगी। A B इसके निर्देशांक तो है 4.3 और B के निर्देशांक है 5.2। अब इस सरल रेखा पर कोई एक और बिंदु है, मान लिया ये बिंदु है P, निर्देशांक इसके x, y है। अब A P B इन तीन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज A B P A P B भी लिख सकते हैं हम, इसको P A B कैसे भी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है। अब देखो, जो त्रिभुज होता है यदि उसके निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है और उसको 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो गया तो हमें एक्स वाई में एक संबंध मिल जाएगा जो कि उस सरल रेखा का समीकरण होगा। तो हम 1/2 डिटर्मिनेंट 4, 3, 1, पहले ये वाला बिंदु ले लेते हैं 4, 3, 1, फिर दूसरा बिंदु ले लेते हैं -5, 2, 1, तीसरा बिंदु हमारा है xy, तो xy1, इसका मान 0 के बराबर होगा। सरल करते हैं इस डिटरमिनेंट को, 2 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, मान कितना आ जाएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y, -3 करेंगे, डिटरमिनेंट को खोल रहे हैं, ये -5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 -x,
प्लस एक किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस पांच वाई माइनस दो एक्स, और ये मान जीरो के बराबर है। अब ये जो समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं ये एबी को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण होगा, ये एपीबी रेखा का समीकरण होगा, अर्थात ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। इसको सरल करते हैं तो चार दुनी आठ माइनस चार वाई प्लस पंद्रह प्लस तीन एक्स माइनस पांच वाई माइनस दो एक्स बराबर जीरो, ऐसा हमें मिलता है। सरल करते हैं इसको, तो सरल करने से ये हो गया तीन एक्स माइनस दो एक्स, तो एक्स बच गया, माइनस चार वाई और माइनस का पांच वाई तो माइनस का नौ वाई, आठ और पंद्रह ये हो गया प्लस का तेईस बराबर जीरो, ये हमारा सरल रेखा का समीकरण हुआ। तो प्रश्न का हमने एक भाग क्लियर कर लिया, सरल रेखा का समीकरण एक्स माइनस नौ वाई प्लस तेईस बराबर जीरो है। यही रेखा का अभिष्ट समीकरण है। अब हम प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न के दूसरे हिस्से में हमें k का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो वर्ग इकाई है और C बिंदु हमें दे रखा है k कॉमा जीरो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पुनः हम एक बटा दो चार तीन एक, ये हमारी पहली पंक्ति होगी, दूसरी में होगा माइनस पांच दो एक, और तीसरी पंक्ति में हमें सी बिंदु लेना है के जीरो एक, और ये मान किसके बराबर है, दो वर्ग इकाई के बराबर है। तो ये मान हमें प्लस माइनस दो लेना होता है। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहां हम नेगेटिव मान भी प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, तो डिटरमिनेंट का मान तो बदल जाएगा, इसलिए हम यहां प्लस और माइनस दोनों मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक लेते हैं, वो धनात्मक मान होता है, तो नेगेटिव मान भी यदि यहां आएगा तो हमें धनात्मक लेना है, तो इसलिए हम यहां प्लस और माइनस दो चिन्ह लेते हैं। अब इसको सरल करें तो ये दो इस दो से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, चार हो जाएगा प्लस माइनस। लेफ्ट हैंड साइड को सरल करें तो चार मल्टीप्लाई होगा दो माइनस एक से, माइनस एक इंटू जीरो जीरो से, माइनस तीन, अब यहां माइनस तीन आना चाहिए, ये मैं प्लस कर गया हूं, जो हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें ये प्लस में हो गया है, तो यहां पर हमें माइनस तीन लेना है, माइनस पांच इंटू एक तो माइनस पांच, और ये हो गया माइनस का की, प्लस एक इंटू ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस पांच इंटू जीरो अर्थात जीरो, माइनस दो इंटू के अर्थात दो के बराबर प्लस माइनस चार, दो को इस दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस माइनस चार। अब इस समीकरण से हम के का मान निकाल लेंगे, सरल करते हैं इस समीकरण को, तो दिस इंप्लाइज आठ प्लस पंद्रह प्लस तीन के माइनस दो की बराबर हो गया प्लस माइनस चार। सरल किया तो तीन के माइनस दो के तो हो गया के बराबर प्लस माइनस चार, आठ और पंद्रह होते हैं तेईस, दूसरे पक्ष में जाएगा ऋणात्मक हो गया माइनस का तेईस। अब एक बार तो हमें धनात्मक लेना है चार को और एक बार ऋणात्मक लेना है, तो यदि हमने प्लस में लिया तो ये हो गया चार माइनस तेईस, एक मान तो ये होगा, दूसरा मान क्या होगा माइनस चार माइनस तेईस, दूसरा मान ये होगा, तो ये मान हो गया माइनस का उन्नीस और ये मान हो गया माइनस का सत्ताईस। तो इस प्रकार हमें
के दो मान प्राप्त हुए, एक तो है -19 और एक है -27। तो इस प्रकार हमने करेक्ट आंसर प्राप्त कर लिया। आप सभी को मैं पुनः कह रहा हूं कि आप जब वीडियो देखें तो उसको ध्यान से देखें, हो सकता है कि उसमें मुझसे कोई एरर हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, और वो मुझे अवश्य पॉइंट आउट करें। मैं पुनः जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा और इस मिस्टेक को मुझे ठीक करवाने में मदद की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं।